Hey guys, welcome back to a new vlog. And guys, अभी सुबह सुबह ओम भाई हो चुका रेडी और ये जा रहा है स्कूल को. क्या बात, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग हो चुका है. हेलो, गुड मॉर्निंग. आपके लिए सुबह सुबह मैंने गर्म पानी ऑलरेडी कर दिया है यार. ये प्रणाम, गरम गरम पानी पियो और मेरे लिए भी और गरम पानी करते रहो. ले ले तू पी दे इसको. मैं पी लूं? गाल वाल तेरे सुरख गुलाबी लगते मैं एप्पल वर्गे आस पास तेरे जो मंडराए. और सो गाइस, अभी जिम से जस्ट आ गया हूँ कार्डियो करके. भाई जिम गया था मैं ऑलमोस्ट, आज जिम जाते जाते लेट हो गया था. मैं अभी आ रहा हूँ जस्ट 11 बजे घर. अभी नहाते फटाफट से और फिर फ्रेश व्रेश होके मिलते आपसे. सो गाइज, अभी पहुंच चुके हैं फार्म हाउस में, जो कि हमारे डॉक्टर साहब का है, हमारे डॉक्टर भैया का है, डॉक्टर सर का है. सर का है, हमारे सहज सर का है. वो हमारे भैया भी है, सर भी है, सब कुछ है. वो हमारे शुभ चिंतक है भाई. और डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर. आयुर्वेदिक नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर है वो. हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर है वो. और ये इनका घर है, तो आओ. तो अभी ओम खोल रहा है फार्म हाउस का गेट और अभी डालते गाड़ी भी अपनी अंदर. क्या हुआ? घर तो बड़ा भव्य है, बड़ा फार्म हाउस है वो. ओम फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ. मैं पहले आ चुका हूँ एक बार. भाई अगर होम्योपैथिक डॉक्टरों के घर ऐसे होने लग गए तो हम भी डॉक्टरी बनना चाहिए हमको. भाई कोठी है कोठी. तो गाइस अभी चलते हैं अंदर. गेट तो खोल दे अच्छे से. ये मुझे चौकीदार क्यों लग रहा है यहाँ पे. चौकीदार भाई. फार्म हाउस देखो भाई, फार्म हाउस. ओम भाई फार्म हाउस देख, फार्म हाउस. भाई क्या है ये, क्या कर रहे हैं सहज सर भाई मार्केट में. भाई फार्म हाउस देखो गाइस, ये पूरा फार्म हाउस है. सहज सर का सामने घर है, सहज सर यहीं रहते हैं. सहज सर, सहज सर, ओए सहज सर पौधों को पानी डाल रहे हैं यहाँ पे. सहज सर सामने पानी डाल रहे हैं पौधों को. सहज सर, सहज सर. So guys, we पहुंच चुके हैं सहज सर के फार्म हाउस पे. सहज सर, अरे क्या घर में भी ऐसे रहते हैं. इतने स्मार्ट बने हो सहज सर, क्या बात. स्मार्ट घर में भी बनते हो आप. मैंने कहा थोड़ा कपड़ा पहन के अच्छी फीलिंग आ जाती है ना ब्रो, साफ सुथरा कपड़ा पहन के. क्या बात है गाइस. कर तो मैं ये रहा हूँ, खेतों में पानी डालना कोई सोचेगा. होम्योपैथी डॉक्टर के घर अगर ऐसे हो रहे हैं तो हम भी डॉक्टर ही बनते हैं. क्यों ऐसा क्यों है भाई? कह रहा है भव्य घर, गजब हो गया घर. ये तो भाई अपने ऊपर होता है ना यार, कि कैसी परवरिश हो रही हुई है तुम्हारी बचपन में, उस पर डिपेंड करता है. अपन है खुली जगह के आदि, छोटे मोटे कमरों में दिल नहीं लगता यार ब्रो. और ऐसे में क्या होता है ना, हाथ पैर मेरे हिलते रहते हैं. हाँ. क्योंकि आदमी के हाथ पैर हिलते रहे तो बीमार नहीं पड़ता ना ब्रो. क्या बात है. तो कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, खाली टाइम पास कर रहा हूँ, देख रहे हैं. अब इसमें क्या करेंगे, गुड़ाई कर देंगे फर्स्ट क्लास. तो ये आप खुद करते हो? नहीं नहीं. हाँ. है अपने साथ करने वाले. क्या बात है. तो गाइस सहज सर ने भी हाल ही में ही ये फार्म हाउस लिया है. एक दो महीना हो गया हुआ. हाँ, दो महीने मान ले भाई. है ना. क्या बात है सहज सर, अल्टीमेट हो गया है. बहुत बहुत बधाई आपको इस फार्म हाउस की. पहले आया तो है. मैं तो आया हूँ ओम, आज पहली बार आ रहा है. बधाई हो सहज सर आपको. ओम भाई क्या पी रहा है? प्रोटीन. यार दूध बंद कर दे यार भाई. ये प्रोटीन पीना सही है इसके लिए? वो तो मैं देख के बताऊंगा अभी. और इसने देख फिर भी टाइम लगा दिया ना भाई. लगाया नहीं लगाया. अभी खोदने में आसानी हो जाएगी ना, ये बहुत सूखी जमीन है. हाँ. तो पानी पड़ते रहेगा ऐसे करके. बताओ गाइस, तो ये है एक डॉक्टर लाइफ. फार्म हाउस इतना भयंकर है, घर है और मेहनत करते हैं तब होता है सब. और हैट भी है देखो जरा, मेहनत करते हैं दिन रात. ये हैट का क्या राज है? हैट हमारे दादाजी पहनते थे यार भाई. हमारे दादाजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में डॉक्टर थे. लेट डॉक्टर गौरीदत्त जोशी नाम है उनका. बाप रे, नहीं यार. हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में डॉक्टर थे वो, रानीखेत में थे. और आप इंडियन गवर्नमेंट में हो? हाँ हाँ, काम करा है ब्रिटिशर्स के साथ यार भाई, एमईएस में. एमईएस में MES में भी थे और मिलिट्री हॉस्पिटल में भी थे. तो उन्होंने क्या बताया फिर ब्रिटिशर्स के बारे में?
यार मेरी तो मुलाकात नहीं हो भाई, जब मैं पैदा हुआ तो वो एक्सपायर हो गए थे। कौन? दादाजी की डेथ हो गई थी। आपके पापा को तो बताया होगा। हाँ, हमारे पिताजी को हमने बहुत अच्छी मतलब क्या करा कि अपनी ही लाइन में उतार दिया, डॉक्टरी की लाइन पे उतार दिया। और वो भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं। वो लगभग उनको 38 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते करते रानीखेत में। पिताजी को आपके? जी। तो दादाजी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, आप भी डॉक्टर? हाँ जी, मैं थर्ड जनरेशन होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। अरे बाप रे, सब होम्योपैथ थे? हाँ जी, मेरी वाइफ भी अभी होम्योपैथ डॉक्टर है। और अभी हमारी क्लिनिक को लगभग रानीखेत में 76 ईयर्स हो गए रनिंग करते हुए। बाप रे। और हल्द्वानी में? हल्द्वानी में मुझे हो गए 6.5-7 साल हो गए पूरे। 7 साल हो गए ना। क्या बात है। और देखो गाइस, ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे टहल रहे हैं सहज सर के साथ। अरे कोई सौभाग्य नहीं है भाई लोगों, जितनी भी जनता इसकी देख रही है ना, खूब मेहनत करो, मेहनत करोगे और एक मतलब टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल ब्रो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल है ना। लेकिन मेहनत ना लगन के साथ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यार बस खाली टाइम पास करा, एक घंटा बैठ गया, हो गया, एक घंटे से नहीं मिल पाएगा भाई लोगों, है ना। तो लगना पड़ेगा मेहनत के साथ। हाँ, लगन और मेहनत। अब देखो, अब देख भाई, जैसे तू ही यूट्यूब के वीडियो बना रहा है ना, यूट्यूब के वीडियो बनाना भी तो एक किस्म का टास्क है। सुबह से शाम हो जाती है भाई। हाँ, सही बात है। रात हो जाती है एडिट करते करते, फिर अगले दिन देना भी है लोगों को, है ना। वाओ। और ये देखो गाइस, क्या ब्यूटी है। वो भी है देखो, एक छोटा पार्क, एक छोटा पार्क और है पीछे, और एक घर है। पार्क नहीं, उसको एक्चुअल में लॉन बोलते हैं। अच्छा, लॉन। हाँ। वाओ। अबे ये क्या है सर, ये क्या है? अरे वाह सर, सर ये क्या, पर्शियन? वाह वाह वाह, ये तो बम का गोला है सर। बम का गोला नहीं है, उसको पकड़ना मत, वो काट भी देगी और नाखून भी लगा देगी, बहुत भयंकर। नहीं यार। हाँ, फीमेल है, इसका नाम है बेलाडोना। है बेलाडोना? बेलाडोना, बेलाडोना। अच्छा, बेला ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी लाइक यू। बेला मींस मैं लेडी हूँ। ब्यूटीफुल मैन लाइक यू मैन। बेला मतलब ब्यूटीफुल। बेला मींस ब्यूटीफुल एंड डोना मींस लेडी। और मैन को क्या बोलते हैं फिर? मैन को मैन तो मैंने तुझे परसों ही बताया, स्टड होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो स्टड, इसका नाम स्टड कर दो। नहीं, क्यों कर दो स्टड? तो स्टड क्वालिटीज होनी चाहिए। आपका नाम स्टड कर दे, हम सेट सर स्टड कर दे। मेरे नाम के तो आगे तो बहुत अच्छा लिखा है भाई, डॉक्टर। मजाक बात थोड़ी है डॉक्टर बनना। सही बात है यार, 6 साल मेहनत करते हैं तब जाके मिलती है डिग्री। आपने 6 साल मेहनत करी? हाँ, 5.5 साल का कोर्स होता है। नाम के आगे डॉक्टर लगते लगते 6 महीना हो ही जाता है, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। अच्छा, आए, कम हियर, कम हियर बेलाडोना, आओ बेलाडोना आओ, हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक करती है? नहीं नहीं, इतनी मोटी हो गई है यार ये। ऐसे होते हैं पर्शियन, प्योर ब्रीड, टॉप ब्रीड, सही ब्रीड है। काट देगी हाथ? ले, घास खाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है ना उससे, उल्टी करते हैं खा के। ओम भाई पकड़ तो रहा। ना ना ना, पकड़ उसको। आओ बेलाडोना ब्यूटीफुल लेडी। सर आप बिल्कुल सॉक्स वॉक्स पहन के क्या कर रखा है आपने गेटअप? शूज पहने थे ना मैंने अभी, मैट बिछी है। अच्छा, तो शूज रिमूव करें ना ब्रो। अरे अच्छा, क्या बात है सर, आज तो अल्टीमेट हो गया है। वहाँ भी कैमरा, यहाँ भी कैमरा, दोनों कैमरे लगे पड़े आज, शूट कर रहे सहज सर को। वाह यार, सहज सर के फार्म हाउस में आते ही स्वागत हो चुका है चाय से। सहज सर, वैसे मैंने चाय छोड़ रखी है बट आपके कहने में चाय पी लेता हूँ। चाय छोड़ दिया, दूध है ना इसमें, अंदर आके पीते हैं तो क्या होगा? दूध लैक्टोज इनटेक नहीं करना है। तब कितने दिनों तक? 2 महीने तक। क्यों? लैक्टोज डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। किसने बताया आपको? किसने बताया? बताया है। एंड फैट होता है ना दूध में। तो तू कौन सा केसीन थोड़ी ले रहा है प्रोटीन में? हैं? केसीन थोड़ी ले रहा है तू कोई प्रोटीन में? तो क्या भाई, ये क्या है अंदर? गजब स्टूडियो है भाई। गजब। ओ भाई, एसी वेसी सब लगा रखा है सर ने तो। ओ माय गॉड। ओ एक तरफा। ये तो डॉक्टर का स्टूडियो ऐसा लग गया है, हम यूट्यूबर का ऐसा स्टूडियो नहीं हमारा भाई, डॉक्टर का ये स्टूडियो है भाई साहब। भाई ये क्या है? मैं बैठना चाहता हूं यहां पे, गेम भी चल रहा है। गेम भी है भाई, गेमिंग गेमिंग स्टूडियो। सिल्वर प्ले बटन है सर का। अपना स्टूडियो ऐसा बना दो यार, बन जाएगा? बन जाएगा पक्का? जो अपना बड़ा वाला रूम है बगल में, कंफर्म बन जाएगा? 100%।
गाल वाल तेरे सुरख गुलाबी लगते मैं एप्पल वर्गे आस पास तेरे जो मंडरा। तो भाई ओम का चल रहा तगड़ा गेम प्ले यहाँ पे, ओम भाई गेमर बन चुका है भाई। अबे इसका ब्लड का कलर क्लीन कर दिया गया। और गाइज ये देखो पूरा गेमिंग पीसी है जो कि सहसन ने बनाया है, पूरा गेमिंग पीसी बना रखा है। एंड स्टूडियो क्या अल्टीमेट स्टूडियो है भाई, देखो मतलब सहज सर एक डॉक्टर हो गए, सहज सर का ये स्टूडियो है और हम यूट्यूबर है, हमारा कोई स्टूडियो ही नहीं है। कैमरे का डिस्प्ले देखने के लिए ये देखो भाई, सहज सर का एक लैपटॉप यहाँ पे रखा है, मैकबुक, एक पीसी यहाँ पे है। ओम भाई ये करना है कंफर्म, डन हो गया? डन है भाई। गेमिंग करेगा तू? दिन भर यही बैठे रहूंगा। गेमिंग करेगा? और सर कैमरा कहाँ पे है? सहज सर कैमरा कहाँ पे है? ये रहा कैमरा, सोनी ZV-10। ओम जिंदगी में मजे हैं? मजे तो इसको बोलते हैं भाई, रियल मजे। फर्स्ट क्लास, अपना वॉक करो बाहर, गेम खेलने का मन है गेम खेलो, टेंशन दूर करो और मेहनत भी करते रहो। क्यों? मेहनत भी जरूरी है ना भाई, मैंने भी तो कोई एक उसमें थोड़ी कर लिया है सब, धीरे 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 कर कर करा। तो सर व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस स्टूडियो? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, उससे ऊपर भाई। स्टूडियो की वैल्यू अभी उससे ऊपर, अभी तो कुछ भी नहीं है, 50% भी नहीं है भाई। हम धीरे धीरे शर्म कर, लड़की को मार रहा है, शर्म कर यार। मुंडे सब डैपर लगते, ठंड कर दे धड़कन सबकी, कर दे दिल नु फ्रीज। विंटर 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 वर्गी कुड़ी है मेरी, विंटर वर्गी, विंटर 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 वर्गी कुड़ी है मेरी, विंटर वर्गी। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूं आपका ओम भाई और यहां हम खेल रहे हैं GTA, ठीक है। और इस सेटअप में हम लोग आ रखे हैं, तो बहुत जल्द भगवान आशीर्वाद दे कि हमारा भी ऐसा सेटअप हो, ठीक है। बाकी हम खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। सो गाइज अभी स्टूडियो में हमको देखने को मिली है एक खोपड़ी, ह्यूमन स्कल, एंड साथ में हम देख रहे हैं कि सहज सर ने पूरी मार्किंग करी हुई है इसमें, एंड ये जिंदा आदमी की खोपड़ी है, ये कोई फेक नहीं है, है सहज सर? नहीं रियल है। रियल है? और इस बंदे की खोपड़ी सहज सर ने खुद फाड़ी है, है सहज सर? हाँ रियल ह्यूमन स्कल है ये, इसका लोअर जॉ नहीं है इसमें अभी। क्यों नहीं है? वो दरअसल में यहाँ से एक अटैचमेंट होता है ना, वो टूट गया, मेरे से बोन गिर गई थी तो उसकी वजह से टूट गया। अरे हाँ, नहीं तो ये ऐसे करके मूवमेंट करते हैं ना। तो लोअर अटैचमेंट कहाँ है अब? वो टूट गया भाई पूरा। ओम भाई, ओम भाई खोपड़ी देख भाई, इनकी भी लाइफ होती है ना, इनको भी देखिए क्रैक्स आने लग गए ना, ये सब बोरिक एसिड से वो करना पड़ेगा रिन्यू। तो सर ये आदमी जब एक्सपायर हुआ तो क्या एज थी इस आदमी की? लगभग ऐसी 72-78 के लगभग था। तो आपने खोपड़ी निकाल दी उसकी? भाई पढ़ने के लिए करना पड़ता है ना, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है। एनाटॉमी? अच्छा, तो आपका फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी बोलते हो उसको शायद? एनाटॉमी बोलते हो तुम लोग, लेकिन हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। अच्छा, करेक्ट वर्ड हुआ एनाटॉमी। अच्छा, तो उसमें खोपड़ी निकालनी पड़ती है? खोपड़ी नहीं, पूरा आदमी को ही निकालना पड़ता है, एक एक पुर्जा, एक एक हड्डी, एक एक वेन, वेन वेन्स भी। अपना मुंह दिखा भाई, अच्छा नहीं होता। इसकी आंख देखो भाई, दांत देखो भाई साहब, बेचारे 72 साल के चचा को आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, चचा की आत्मा को। इनका श्राद्ध भी नहीं करने दिया है, इनमें खोपड़ी उठा के ले आया है, घर वाले खोपड़ी ढूंढ रहे कहाँ गई, चाचा की खोपड़ी नहीं मिली, वो बहकर चाचा को बिना खोपड़ी के चलाया। एक्चुअल में ये डोनेटेड बॉडी थी। अच्छा हाँ, और काफी साल पुरानी थी। तो मतलब मेडिकल आप फिर खोपड़ी क्यों लाए? पूरा ढांचा ला दे चाचा का, पूरा ढांचा बहुत टफ है ना भाई, लाना एकदम ही डर जाएगा आदमी। और उसको कनेक्ट करना, फिर ऊपर से वायरिंग करनी पड़ती है ना, कनेक्ट करना, ऐसा खड़ा रहता वो। तो कुछ हड्डी के अलावा, खोपड़े के अलावा और कुछ भी फीमर है,
और क्या है उसके अलावा? फीमर ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो सेंसर दिखा दो एक बार, दिखा दो एक बार। पेल्विस? नहीं पेल्विस नहीं है, पेल्विस भी नहीं है। तो सेंसर एक बार दिखा दो, फीमर मिल जाएगी। रिब्स? रिब्स बहुत टफ होते हैं यार। स्पाइन? स्पाइन भी नहीं है। अच्छा। स्पाइन तो मेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। अच्छा, हाथ है? हाथ, हाथ भी तो है, हाथ भी टफ है बहुत, जोड़ना जोड़ना। हाथ को छोटी हड्डी होती है, फेलेंजेस बोलते हैं इनको, फेलेंजेस। हां, लिगामेंट्स वगैरह? अरे टेंडन और लिगामेंट तो अलग होते हैं। हां, टेंडन और लिगामेंट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, तो गाइस ये देखो यार खोपड़ी। तो गाइस हमारे पास फीमर भी है, बट फीमर अभी मिल नहीं रही है। ये सर ने क्या सर ने गैप कर दिया, दिखाओ ना, कुछ तो गड़बड़ है दया बेचारे चाचा। ये काम आती है हमारी नासा का, हमें पता है ये सब सूचर्स हैं। ये आपने ये असली के, असली की ह्यूमन बॉडी में होते हैं। क्या असली के स्कल में ये सब सूचर्स हैं? सूचर? हाँ, मतलब देखो ना, ये देखो, देख नहीं रहा, ये लाइन टाके 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 जैसे लगाए हुए। अच्छा, नेचुरल टाके होते हैं? नेचुरल होते हैं। ये देखो जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये डिवाइडेड होता है पार्ट्स में। ये रियल आप हमारे खोपड़े में भी ऐसे होगा? हाँ, सबके बेचारे चाचा। चाचा का ये हाल कर दिया सर आपने, यार गजब कर दिया आपने चाचा का हाल। तो इनका मतलब आप खोपड़ी लेगा जैसे चाचा की, तो बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ लेके गए अपना अपना पसंद का? जो सही स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सेटिंग होती है ना टीचरों से। तो आपकी सेटिंग थी? हाँ। मतलब हर किसी को नहीं मिलता? अरे ऐसे कैसे दे देंगे, और मसल भी तो जाते हैं कुछ। मसल का करेंगे क्या, मसल तो सड़ जाएगी, वैसी सड़ी भी होती है। एसिड में रखते हैं कुछ? एसिड में थोड़ी रखते हैं, फॉर्मेलिन में रखते हैं। अच्छा, स्किन? स्किन भी बेकार हो जाती है, पर्स जब बनाने के लिए ठीक है, नहीं हो है? पर्स बनाने के लिए। भाई ये क्या बोल रहे हैं, इंसानी चमड़ी से पर्स बना रहे हैं भाई ये। भाई साहब पर्स बनाने के आँख, लिए आँख आँख भी बेकार हो जाती है यार। आँख तो अल्टीमेट चीज है, बेकार हो जाती है वो भी। दांत नहीं होते? टेस्टिकल? टेस्टिकल दांत भी निकल जाते हैं। देखिए दांत निकल गए, दांत थे पहले इसके? हाँ, ये सब निकल गए ना, ये सब दांत। अरे चाचा जब मरे होंगे तभी उनके दांत नहीं होंगे ना, 72 साल की उम्र में लूज हो जाते हैं ना ये सब, ये लूज होके सब निकल जाते हैं। यहाँ कैनाइन होंगे चाचा के? दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर। ये 6th क्लास में पढ़ा था हमने। तो सर टेस्टिकल? टेस्टिकल दो होते हैं, किसी किसी में एक भी होता है। है? है? उसको अनडिसेंडेड टेस्टिकल बोलते हैं। नहीं यार। लेकिन एक टेस्टिकल वाला आदमी भी मतलब आगे फैमिली बढ़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम का तो एक ही है फिर? ओम का क्यों है? ओम का एक है, दो है? अबे भाई क्या मैं दिखाऊं क्या आपको, प्रमाण दूं यहाँ पे? तो सर टेस्टिकल बिकते हैं मार्केट में? हाँ बिकते हैं। हाँ बकरे के? बकरे इंसान की बात कर रहे हैं? इंसान की? इंसान के कैसे मिल जाएंगे? बात तो सुनो तो और कुछ भी पार्ट्स होते होंगे ना ह्यूमन बॉडी में जो ऐसे रखे रखे जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में बहुत पार्ट होते हैं ऐसे। हार्ट? अरे ऐसे कैसे रख देगा यार तू भाई, हार्ट को किसी उसमें डाल के रख सकते हैं ना, उस केस के अंदर, उसके अंदर केमिकल्स के अंदर मिल जाता है, सेटिंग से मिल जाता है। मिल जाता है ना हार्ट भी, सेटिंग से करनी पड़, मिलेगा इतना इतना होता है ना, अपने फिस्ट के बराबर होता है। इतना बड़ा होता है हार्ट आपका? मेरे से ज्यादा बड़ा हार्ट होगा देखो, है ना आपके तो बड़ा। आपका दिखाओ जरा, हार्ट को दिखाओ, दिखाओ। अरे हार्ट यार सैसा, लेट्स गो। तो गाइज अभी करते हैं स्टूडियो को बाय और आ चुके हैं बाहर। ओए टू बी चेंज है यार भाई, वो हेड पहन के सही नहीं लगेगा ना। ठंडा कितना हो रहा है भाई रात में यहाँ पे? तो हो गई ठंडा। एंड गाइस ये देखो एक फार्म ये रहा शहद सर का, खूब एंजॉय करा भाई आज हमने, फुल मस्ती करी शहद सर के साथ में। एंड यहाँ पे एक फार्म यहाँ पे है, नई चीजें सीखी भाई है। मस्ती क्या करी मतलब तेरे मतलब नॉलेज थोड़ी मैंने अपग्रेड कर दी, बहुत ज्यादा नई चीजें तुझे मैंने सिखाई होंगी, बहुत सिखाई है, बहुत सिखाई है। एंड यहाँ पे देखो मजा आ गया भाई पूरा फार्म देख के, ये देखो भाई अल्टीमेट। अभी चल रही नाइट वॉक, कैसे छिछोरी हरकतें हैं रे ये भाई कर रहे हो, भाई ने धक्का दिया आपकी पीठ पे, टिड्डा है। टिड्डा है तो क्या हो गया, सांप थोड़ी आ गया कोई, आते रहो। चलो ये भाई आ रहा, तुम्हें नहीं है क्या इतने तेरे फोन लिया भाई, धक्का मार रहा है, टूटेंगे हम, उसका पैर टूटेगा कहीं यार। तो चाबी देना भाई यार, मैं गाड़ी मोड़ता हूँ, तुम लोग जाते नहीं हो यार यहाँ आगे, अड्डा जमा लेते हो। चलो लेट्स गो भाई, अभी निकलते हैं, रात हो गई है भाई, बहुत लेट हो गया है। सुबह से शाम तक रहेंगे, बढ़िया ही मैं बनाऊंगा तेरे लिए, दोनों भाई खाएंगे इसको, रहेंगे ये मोटे ऐसी है, मोटे के बस की नहीं है, मोटा टाइम टेबल वाला नहीं है। ओके सर, मोटे टाइम टेबल में आ जा, तभी कुछ होगा जिंदगी में, टाइम टेबल इज एवरीथिंग।
वैसे सर बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से दोबारा कम बैक करेंगे। ओनली ओम, माय गेट्स आर ओपन ओनली फॉर ओम। क्यों सर ऐसा क्यों? बाय बाय गाइस। सही है भाई, सही है, सही सही है सर, सही है सर। अब से आऊंगा भी नहीं मैं, अब तेरा तो उस्ताद भी आएगा। I need to go to shop. Okay. तो भाई सब मिल्क ना यार। Okay sir. चल। Okay sir. चलो फिर sir. Sir. Okay हम। चला भाई भाई हो जाए। चला जाओ। Sir. अरे drive carefully. क्या हुआ? क्या हुआ sir? Bye guys. Love you all. अरे भाई। अरे भाई। क्या बोला ही तूने भाई? तो गाइज आज है ट्यूसडे और प्रसाद भी आ चुका है। हाइट से कुछ नहीं होता बेटा, इतिहास उन्होंने रचा ना जो छोटे हैं। हाइट कम होती है, उन्हें इतिहास रचा है। लठ की तरह हो जाएगा है, दिमाग घुट्टे पर रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होता है। प्रणब मुखर्जी को देख ले, देश के राष्ट्रपति, ठीक है। अब्दुल कलाम को देख ले, देश के राष्ट्रपति, ठीक है। कितनी हाइट थी? इतनी सी हाइट थी। मोदी जी की हाइट कितनी है? पूरे देश को चला रहे बताओ पापा। ये आपने फटी हुई बंडी पहनी है पापा, क्या बात है? कोई बात नहीं, पहली बात तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो, जो पापा घर में फटी हुई बंडी पहनी है। अरे कोई बात नहीं, अपने घर में है ना, कहाँ से लाऊं नहीं फिर। हाइट के लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? बताना रोटी है उसकी। सो गाइस अभी लग चुका है खाना और खाने में है मस्त। अपनी अपने चावल है गाइस, रोटी खाना बंद कर दिया है मैंने। चावल है, दाल है, झोली सब्जी तो खा रहे है। मम्मी खाना आप रात के 12 बजे आप खा रहे हो, क्या हुआ? तो रात के 12 बजे खाना कौन खा रहा है? अबे भाई रात के 11:30 बज गए हैं, सबने खाना खा लिया, मैंने खा लिया, पापा ने खा लिया, ओम ने खा लिया। ओम ने नहीं खाया, इसने। ये खाना ओम का है? दो दो ओम नहीं, हमारे घर में एक ही ओम है। हैं? तूने खाना नहीं खाया? अबे अबे दवाई खाने के आधा घंटा बाद खाना खाना होता है। 7 बजे के बाद ना, 7 बजे के बाद अक्षय कुमार खाने को छूता तक नहीं है, करोड़ रुपया को देता है। 11:30 बजे खाना खा रहा, क्या तेरे को बुद्धि आएगी बता? आज ही तो खा रहा हूँ। देखो चावल, वो भी चावल तो क्या खाऊंगे, रोटी बनाई और चबा भी नहीं पा रहा अपने, अभी टाइट हो रहा है ना वो। ये 11:30 बजे खाना खाएगा ना, सब कुछ टाइट हो जाएगा। ये भी आएगा याद रखना, 11:30 बजे खाना खाएगा ना, सब कुछ टाइट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें है, तुम भी दे रहे हो खाना है, भूखे में नींद आई ना। तुम भी रात को 11:30 बजे खाना दे रहे हो, क्या करोगे ना? तो खाना खाना किसी भी हाल में होना चाहिए, रात को 11:30 बजे खाना।
बस कैसे भी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, चेहरे पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते कल से, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव लाइफ एज मच एज यू कैन। कल से मैं तैयार हूं, टिल देन बाय।